नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्मिक टेप नंबर के ऊपर। एक्चुअली अगर आपको नहीं पता है कि कार्मिक टेप नंबर क्या होता है, तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट में जो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं ऐसा कि ये जो अपना सोल है, आत्मा है, ये हर बार जन्म लेता है। और एज पर आवर पास्ट कर्मा, जैसा पिछला जन्म में हम लोग कर्म किए थे, उसके अनुसार इस जन्म में हम लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। मतलब पिछले जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में अच्छा फल भी मिलता है, और पिछले जन्म के बुरे कर्म को इस जन्म में एज ए बर्डन या चैलेंज हम लोग फेस करते हैं। तो अगर हम लोगों ने कुछ गलत काम किया है या फिर कुछ ऐसा कर्म किया है पिछले जन्म में, तो उसका जो एक इस जन्म में हम लोग कुछ एज ए चैलेंज हम लोग के लाइफ में आता है, कुछ एज ए बर्डन आता है। इस चैलेंज और इस बर्डन को हम लोग कार्मिक टेप नंबर कहते हैं। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो बेसिकली चार नंबर्स होते हैं, 13, 14, 16 और 19, मीन्स 13, 14, 16 और 19। ये चार नंबर अगर आपके कोर नंबर में आता है, कोर नंबर क्या होता है? लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट डिज़ायर नंबर, और अगर कुछ साइकिल्स होते हैं जैसे इसेंस साइकिल नंबर, अगर इसमें से ये नंबर्स आते हैं, ये चार नंबर्स आते हैं, तो आपको ये चैलेंज क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। ये एक बर्डन की तरह होता है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको कुछ गोल्स की तरफ जाने से रोकते हैं, या फिर आप बहुत ही डिस्टर्ब फील करते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग बैड टाइम कहते हैं, तो वैसा आप फील करते हैं, और वैसा मतलब आपके पाथ में ऐसा आता है ये चीज़। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये नंबर्स क्या है और इसका क्या सजेशन है, क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप वो जो सॉल्यूशन और सजेशन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप इस पे जाते हैं तो पाएंगे कि ये सारा अगर आप पाथ को फॉलो करते हैं तो आपका जो बर्डन है वो मिनिमाइज होगा, या फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जानते हैं इन नंबर्स के बारे में और इनका क्या सजेशन है। तो सबसे पहला 13, कार्मिक टेप नंबर 13 का मतलब है कि आप जो है, आपका जो एनर्जी है बेसिकली वो बहुत जगह स्कैटर्ड है। आप एक बार में एक काम मतलब उठाते तो हैं लेकिन उसको फिनिश नहीं करते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। ये नंबर, ये कार्मिक टेप नंबर आपको फोर्स करता है कि आप एक जगह फोकस नहीं कर पाए। ये नंबर आपको स्कैटर्ड ऑफ मतलब आपका जो एनर्जी है वो हर जगह पे बिखरा हुआ है, तो जिसके कारण आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं विद इन टाइम लाइन और ये चीज़, क्योंकि आपको ये फोकस नहीं करने देता है। तो होता क्या है कि आपको चूंकि ये जो फोकस नहीं करने देता है, तो आप काम तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर आप उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर जो वो लेजीनेस होता है, प्रोकास्टिनेशन की जो चलो कल पे टालना जिसको कहते हैं, फिर आपका वो स्टार्ट होने लगता है। उसका फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि चलो ये तो होगा ही नहीं हमसे, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा किस्मत ख़राब, और ये सब चीज़ पर फिर निगेटिविटी आने लगता है, और उसके बाद फिर आप लेजीनेस और वो सब साइड जाने लगते हैं। तो ये बेसिकली कार्मिक टेप नंबर 13 जब भी आता है तो आपको बेसिकली ये फोकस करने नहीं देता है, आपको डिसिप्लिन में रहने नहीं देता है, आपको रूटीन फॉलो नहीं करने देता है, जिसके कारण आपका जो एनर्जी है स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण आप अपना काम जो है एक बार में फिनिश नहीं कर पाते, और जिसके कारण आपको गोल अचीव करने में, हर बार जो आप गोल रखते हैं उसको अचीव करने में आपको हमेशा ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और फिर वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो इसका सॉल्यूशन या सजेशन ये है कि आप जो है अपना एक पहले तो रूटीन बनाएं, एक फोकस करने के मेथड को यूज़ करें, बेसिकली मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है। आप जब एक काम स्टार्ट करें तो उसको पहले फिनिश करें, तब फिर दूसरा स्टार्ट करें। पैरेलल मल्टीटास्किंग ये सब चीज़ अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि चार पांच जगह एक साथ हाथ लगा दिए। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है हम लोग एक साथ चार पांच काम कर सकते हैं, लेकिन एक फोकस आपका जहाँ पे जाता है सक्सेस उधर ही मिलता है। तो फोकस इज़ द की फॉर यू, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपको फोकस डेवलप करना है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है, ताकि आप अपने उस काम को फिनिश तक पहुंचा पाए और सक्सेस पा पाए। और जो ये प्रोकास्टिनेशन है कि कल पे टालना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये ही आपको जो है हर बार जो काम जिसमें आप छोड़ देते हैं, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, इसका रीज़न यही है कि आप टालने लगते हैं उस चीज़ को।
तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक टारगेट उठाना है, उस पर कंटिन्यूस वर्क करना है, जो प्रिजर्वरेंस कहते हैं कि जो स्टार्ट किया उस पर फोकस और उस पर डिसिप्लिन में से आगे बढ़ना है, तब जा कर के आप अचीव कर सकते हैं। और ये कार्मिक डेप नंबर 13 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मैंने देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या फिर अच्छे लेवल पे हैं, उनके लाइफ में कार्मिक डेप नंबर 13 रहता है, लेकिन वो लोग अपने हार्डवर्क से, प्रजिवरेंस से, कमिटमेंट से इस चीज़ को ओवरकम करते हैं और वो सक्सेस पाते हैं। तो डोंट टेक दिस एज ए निगेटिव थिंग्स, इट विल क्रिएट चैलेंज फॉर यू, लेकिन आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं बाय योर डिटर्मिनेशन, बाय योर हार्डवर्क, बाय योर प्रजिवरेंस एंड बाय फोकसिंग ऑन द टास्क। तो ये था मेरा एनालिसिस कार्मिक डेप नंबर के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि कार्मिक डेप नंबर जो है पिछले पास्ट कर्मा के बैड, अगर कुछ हम लोग कर्म करते हैं, पूरा कर्म करते हैं, तो उसके कारण हम लोग को कार्मिक बर्डन आता है। लेकिन अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं भी रखते हैं, तो भी ये नंबर अगर आपके लाइफ में कहीं पे भी, मतलब कोर नंबर और इसेंस साइकिल में अगर कहीं पे भी आता है, तो आपको चैलेंज क्रिएट करेगा ही। इसका नेचर है चैलेंज क्रिएट करना, अब रीजन इसका चाहे जो भी हो, तो उस टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस कार्मिक डेप नंबर के बारे में और उसका सजेशन और सॉल्यूशन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट www.astrobasic.com, आस्क क्वेश्चन सेक्शन, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन एंड मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कार्मिक डेप नंबर के बारे में जानना है, अगर आपको लगता है कि आपके कोर नंबर या एसेंस साइकिल में कार्मिक डेप नंबर है, तो आप प्लीज़ मेरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कीजिए। उसमें मैंने आपके ये सारे नंबर्स के बारे में लिखा है, उसका सजेशन सॉल्यूशन भी दे रखा है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब आप जो डेली कॉफ़ी लेते हैं उसके प्राइस से भी कम है। तो आप जाइए और अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कीजिए। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी को अपने लाइफ में यूज़ कर सकें ताकि आपका लाइफ बेटर हो सके, तो मैं बुक लॉन्च किया है। तो आप जाके न्यूमरोलॉजी एंड यू, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया बुक है, जिसको कि कोई भी आदमी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। अगर आप न्यूमरोलॉजी में जस्ट न्यू हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसका लिखा गया है और बहुत ही कम्प्लीट मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन है, मतलब प्रैक्टिकल वो बहुत ही बुक है, जिसको कि आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो भी खरीदें, लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट www.astrobasic.com, आस्क क्वेश्चन सेक्शन एंड बुक योर कंसल्टिंग स्लॉट। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।